उसमें बोलना है ना मेरे को, क्योंकि क्लासेस में बोलते हैं, पढ़ा रहे हैं उस टाइप हाँ से। पहली इमेज कौन सी की वाली है, समझ नहीं आ रही। हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हाइड्रोजन अपने से अधिक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़ा हुआ रहता है, वो एक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स से भी कम अट्रैक्शन फोर्स की तरह उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल हम लेते हैं H2O, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे अटैच जो हाइड्रोजन एटम है उसकी तुलना में ज़्यादा है। इस वजह से हाइड्रोजन एटम दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता, किंतु यह उस अणु के भौतिक और रासायनिक गुणों को प्रभावित जरूर करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम जब हम कहीं डिस्प्ले करते हैं या लिखते हैं तो ऐसे टूटी टूटी या डैश लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि किसी मॉलिक्यूल में पाई जाती है या कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी रखता है, इसका मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है तो वो वाटर सॉल्युबल है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। इसी प्रकार से अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स होंगे या जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में हमेशा हाई होगा, ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से यदि हम देखें जो ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल है वो एथिल एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, क्योंकि एथिल एल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और एक एथिल एल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इस कारण से एथिल एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। ऐसे ही ठीक है कि वो बोले।